मेरा नाम राजा खान है और मैं शोपुर से आया हूँ। तो 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीखने को तो काफ़ी मिला, और इससे पहले भी मैंने एक ऑनलाइन ये जो कार्यक्रम था ये जो का वो किया, लेकिन वहाँ पर ऑनलाइन में इतनी अच्छी समझ नहीं हो पाई जो अभी समझ हुई है कि हम रहना तो सभी सुखी चाहते हैं और हमारी चाहना भी यही है कि हम सुखी रहें, और मैं भी यही चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन हमें यहाँ आके पता चला कि हमारी आवश्यकताएँ जो हैं उनको हमें कैसे देखना है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं कई बार मेरी खुद की, मैं बताता हूँ मेरा ये कि मैं जब यहाँ आया तो उससे पहले मैंने 3 जोड़ी कपड़े सिलवाए अभी, और उनमें से 1 जोड़ी कपड़े तो मैं रखे आया और 2 जोड़ी कपड़े मैं यहाँ लेके आया हूँ। लेकिन अगर मेरी ये आवश्यकता नहीं थी, मेरे पास इससे पहले भी काफ़ी कपड़े थे, लेकिन यहाँ आकर जब वो कपड़ों के बाद आई तो मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता नहीं थी, ये मैंने सिर्फ दिखावे के लिए कि थोड़ा अच्छा लगेंगे, फोटो अच्छे आएंगे, और इस उद्देश्य के साथ के बस चल रहे हैं। तो इस उद्देश्य के साथ मैंने 3 जोड़े कपड़े सिला लिए। तो ये मेरे को आगे पता चला कि हमारी सुविधाएं जो हैं उन पर हमारा ध्यान क्या इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ हमारे आनंद और सम्मान के साथ उसको जोड़ लेते हैं। और भी कई चीज़ें अपने और शरीर में जो है वो जो भी करता हूँ वो ज़्यादातर 90% कहूँ या 95% कहूँ जो है वो मतलब सुविधा संग्रह पर ज़्यादा ध्यान है, मेरे पर कोई ध्यान नहीं है कि मेरी क्या आवश्यकता है। और मुझे अब ये क्लियर की इन 3 दिनों में हुई कि मेरी आवश्यकता के लिए यदि काम किया जाएगा तो और आनंदित हम रह सकते हैं। अल्पविराम हम लेते हैं, लेकिन अल्पविराम में इस चीज़ का मुझे एहसास कभी नहीं हुआ कि मेरे लिए भी मतलब मैं भी दो व्यक्ति हैं कि मैं और एक शरीर है, और शरीर के लिए काम कर रहे हैं, मेरे के लिए काम बहुत कम कर रहे हैं। तो अब इस और मैं थोड़ा बड़ा हूँ कि अब मैं दोनों के लिए काम करूँ और मेरे के लिए ज़्यादा करूँ ताकि आंतरिक आनंद की अनुभूति जो है वो कर सकूँ। और एक सम्मान की समझ हुई है कि सम्मान जैसे अधिमूल्यन अमूल्यन और वो बताया था। तो एक सुबह ही हमारे एक साथी बैठे थे, तो साथी हम नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने भैया को एक फ़ोन दिया गया एक फ़ोटो ले दीजिए। तो वो भैया बोले कि आपका धन्यवाद, जिसने वो फोटो भेजा था कि आपका धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे ऐतिहासिक एक फ़ोटो लिया हमारे ऐतिहासिक क्षण को आपने कैमरे में कैद कर लिया। तो मेरे को लगा कि यार ये ऐतिहासिक कैदे की जरूरत नहीं थी, तो अधिमूल्यन हो गया मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ नहीं होती तो मेरे को लगता मन में वो एहकार जैसा भाव आ जाता कि यार हमको ऐतिहासिक समझ रहे हैं कि हम मतलब 6-7 साल जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे हमारी वो चर्चा भी हो गई थी। तो उसको मैंने इस तरीके से जोड़ा कि भाई वो जो है हमको ऐतिहासिक मान रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं, ये तो अधिमूल्यन हो गया। तो एक ये समझ विकसित हुई है कि हमारा अधिमूल्यन अवमूल्यन जो है वो हो गया है। और उसके लिए और भी कई चीज़ें हैं, शायद समय का वो बता रहे हैं भैया, लेकिन मैं थोड़ा सा वो बोल देता हूँ कि हम जो है वो परतंत्रता और स्वतंत्रता मेरे को एक समझ में आई कि हम मान्यता और मैं खुद मान्यता और संवेदनाओं पर ज़्यादा आधार रहता था, और हमारी स्वतंत्रता जो स्वीकृति है उसको मैं ज़्यादा नहीं करता था। और मैंने ये 3 चीज़ें जो हैं समझ सुविधा और संबंध, इनमें थोड़ा सा समय देने का प्रयास करूँगा और इन कोर्स हमारे संबंधन के बारे में विचार करूँगा, स्वयं परिवार और समाज। तो मैं अपनी शुरुआत जो है स्वयं के साथ करूँगा और उसके परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। और एक और मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा कि सुविधा संग्रह को लेकर हमारे बस छोटी ख़त्म कर रहा हूँ, हमारे एक दोस्त ने अभी थोड़े दिन पहले एसी लगा लिया, तो मुझे लग रहा था कि जब भी मैं उनके घर जा रहा हूँ तो मेरे को गर्मी क्या है अपने घर पे गर्मी, हालांकि मेरा कमरा ऊपर है तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है, लेकिन उनने जब एसी लगा लिया जब से मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू देख रहा हूँ कि जब से उनके एसी लगी है तब से मुझे घर पर कुछ ज़्यादा लगने लग गई है। तो अब तक जब तक वो एसी मेरे घर में लगेगी नहीं तब तक वो मुझे ठंडाई मिलेगी नहीं। तो वो जो सुविधा संग्रह है वो मेरे को यहाँ समझ में आया कि अगर अपनी आवश्यकता ही है, यदि गर्मी ज़्यादा ही लग रही है तो हमें लगाना चाहिए, अगर आवश्यकता नहीं है तो हमें उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।